आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं शिवानी जायसवाल, बिजनेस कोच टीम आई डिजाइन माई लाइफ से आज मैं इस वीडियो में आपसे उस साइलेंट सेल्स पर्सन की बात करना चाहती हूँ जो आपके बिजनेस में बिना किसी एफर्ट्स के अपने आप ही सेल्स कर देगा, जिसके लिए आपको किसी भी सेल्स पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी कॉस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है? वो है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। सबसे पहले हम इसको एक स्टोरी से समझते हैं। इट वॉज अ संडे इवनिंग और श्वेता घर में बैठी बोर हो रही थी। उसने सोचा कि चलो पास वाली मार्केट में एक बार घूम कर आते हैं। वो मार्केट गई और एक शॉप पर उसने एक बहुत ही अच्छी फुटवेयर देखी। उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो उसको बार बार देख रही थी और सोच रही थी कि वो उसको खरीद ले। बट उसके मन में बात आई कि अभी 4 दिन पहले ही तो उसने शॉपिंग की थी, तो नहीं लेते हैं, और वो आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वो आगे गई तो फिर से उसको एक शॉप के अंदर डिस्प्ले पे एक बहुत अच्छी ड्रेस दिखाई दी। इस बार उसका मन बहुत ज़्यादा कर रहा था कि वो उस चीज़ को ले ले और उसको अपने कलेक्शन पे ऐड कर ले। बट इस बार भी उसके मन में ये बात आई कि अभी तो मुझे सेविंग्स करनी है, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने, चलो रहने देते हैं, फिर कभी देखेंगे। और वो मार्केट में और आगे बढ़ गई। अब थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक शॉप पर देखा कि बहुत ही अच्छी एक ड्रेस है। वहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइटिंग्स थी, ब्राइटनेस थी, और बहुत ही अच्छे से उस ड्रेस को प्रेजेंट किया गया था डिस्प्ले पर, जिससे वो ड्रेस और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अब जब श्वेता ने वो ड्रेस देखी तो वो बिल्कुल अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई। वो शॉप पर अंदर गई और उसने वो खरीद ली। यहाँ पर क्या हुआ? क्या उसको वो ड्रेस किसी ने बेची? क्या उसको प्राइस पसंद आया या कोई और फैक्टर कि जैसे कि उसको वो ड्रेस की ज़रूरत हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बट उसने वो ड्रेस खरीद ली। क्यों? किसने उसको वो ड्रेस बेची? उसके पीछे था ये साइलेंट सेल्स पर्सन, जिसको हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। आज हम इस वीडियो में उस साइलेंट सेल्स पर्सन की ही बात करने जा रहे हैं जो हर रिटेल स्टोर में प्रेजेंट होता है। बट ज़रूरत है कि आप उस सेल्स पर्सन को कैसे यूज कर रहे हैं, उस पर कितना फोकस कर रहे हैं और कितना सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इसको अपने रिटेल स्टोर में सही तरीके से यूज कर लेंगे तो ये सेल्स पर्सन बिना किसी कॉस्ट को ऐड किए आपकी सेल्स इंक्रीज कर देगा और आपके स्टोर का डिस्प्ले और उसका कस्टमर एक्सपीरियंस भी बढ़ा देगा। हम आज क्या डिस्कस करेंगे? आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो ये है कि कैसे आपके रिटेल स्टोर का डिस्प्ले और विजुअल्स आपके स्टोर की सेल्स इंक्रीज कर सकता है, आपके स्टोर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आज के टाइम में मोस्टली रिटेलर्स फेस करते हैं, विच इज़ कि आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जब आपके कैचमेंट एरिया में नए नए स्टोर्स और वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स, मॉल्स एक्सेट्रा ओपन हो रहे हैं, तो आपको उस एनवायरनमेंट में सस्टेन कैसे करना है और साथ ही साथ ग्रो कैसे करना है, मल्टी स्टोर की स्ट्रेटजी पर काम कैसे करना है। देखिए, ये जो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ सीरियस रिटेल बिजनेस ओनर्स के लिए हैं। यहाँ आपको कोई सिंपल टिप्स या एडवाइस नहीं मिलेगी। आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा और तभी वो आपको बिजनेस में काम आएंगी। इसको अच्छी तरीके से समझने और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने आपको एक वर्कबुक भी दी है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप इससे रिलेटेड अपने बिजनेस में क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। Why this is important? ये सारी चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है? अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं जानेंगे तो बिजनेस पे या लाइफ में क्या फ़र्क आएगा? देखिए, अगर ये चीज़ें आज आप नहीं जानेंगे तो आपका रिटेल बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा जैसे सालों से चलता आ रहा है। आप वही डेली की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में बिजी रहेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप इन चीज़ों को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐड करते हैं,
तो आप अपने वो बिजनेस गोल अचीव कर पाएंगे जो आप सालों से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना, ज्यादा पैसे कमाना, अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर करना, रिपीट कस्टमर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेना और मार्केटिंग के कॉस्ट को कम कर देना, अपने प्रोसेसेस को पीसेस में डिवाइड करके अपने और अपने स्टाफ के लिए काम को आसान कर देना और अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को इनहांस कर देना। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल आई डिजाइन माई लाइफ में आपको हर बिजनेस जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और सर्विस बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसे आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए इस साइलेंट सेल्स पर्सन को हम एक रियल केस स्टडी से समझते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी योगेश जी की बात की, जो कि एक फुटवेयर रिटेल बिजनेस ओनर है। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर ऊपर आपको लिंक मिलेगी, आप वहां जाकर वो वीडियो एक बार देख सकते हैं। योगेश जी एक फुटवेयर रिटेल बिजनेस ओनर है। जब वो हमारे पास आए तो उनका ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस था, सालों से एक जैसा ही चलता आ रहा था और उनके कुछ गोल्स थे बिजनेस में। अब वो क्या चाहते थे, अब वो चाहते थे कि उनका बिजनेस अब ऑटो पायलट मोड पर आ जाए, 2-3 स्टोर्स और ओपन हो जाएं, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएं और वो अब अपना टाइम जो है वो सेव कर पाए और उस टाइम को वो अपने बिजनेस की ग्रोथ पर और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड कर पाए। जब हमने जानने की कोशिश की कि वो क्या चैलेंजेस हैं जो योगेश जी फेस कर रहे हैं, तो हमें पता चला कि उनके स्टोर्स के प्रोसेसेस डिफाइन नहीं थे, मतलब उनको पता ही नहीं चल पाता था कि एक्चुअली उनके स्टोर की जो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। कैचमेंट एरिया में कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जा रहे थे, नए नए ब्रांड्स आने लग गए थे, जिससे उनके बिजनेस कम होता जा रहा था। बेटर ऑप्शंस, डिस्प्ले और अट्रैक्शन होने की वजह से नए कस्टमर का आना तो कम हो ही गया था, साथ ही साथ रिपीट कस्टमर भी डिससेटिस्फाइड रहने लगा था। योगेश जी का डिस्प्ले ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, जिससे कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहता था। योगेश जी के पास ये सब सोचने या ग्रोथ पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं था, बिकॉज उनका तो पूरा समय बिलिंग पर ही निकल जाता था। उनके पास कोई लेटेस्ट कैश मैनेजमेंट या POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी, जिससे क्या होता था कि वो पूरा टाइम वहीं पर बिजी रहते थे। जब हमने योगेश जी से बात की कि वो इन चैलेंजेस पे क्या एक्शन ले रहे हैं, तो हमें पता चला कि वो कोई खास एक्शन नहीं ले रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे थे कि कब वो सही समय आएगा जब अपने आप सारी चीजें सही हो जाएंगी। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उनको एक्चुअली क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, जिससे उनके बिजनेस में जो सेल्स में डिप आ रहा है, जो धीरे धीरे सेल्स कम होती जा रही है, वो कैसे ठीक हो। उनको कोई आइडिया नहीं था कि उनकी सेल डिक्रीज क्यों हो रही थी। वो ट्राई करते थे कि वो भी जो नए नए स्टोर मार्केट में ओपन हो रहे हैं उनकी तरह काम करें या प्रोसेस को फॉलो करें, बट उनको सही तरीका ही नहीं पता था और इसीलिए वो अपने इन चैलेंजेस को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। जब हमने ये सब जाना तो हमने स्टेप बाय स्टेप उनके बिजनेस पे काम किया, जिसमें हमने उनके स्टोर के ऑपरेशंस, एक्सपेंशन, सैचुरेशन एनालिसिस, प्रॉफिट मार्जिन, सप्लाई चेन, हर चीज पे प्रोसेस ठीक किए। बट सबसे पहले हमने उनके इन स्टोर ऑपरेशंस पे काम किया। वेयरहाउस के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी, जिसका आपको स्क्रीन के ऊपर लिंक दिख रहा होगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं और सिमिलर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो हम स्टोर फ्रंट इफेक्टिवनेस के बारे में बात करने वाले हैं। बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों के ही ऑपरेशंस को आपको कैसे ऑप्टिमाइज करना है और उसमें क्या एक्शंस लेने हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वर्कबुक दी गई है, आप वहां जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बिजनेस में अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। आज हम स्टोर के दूसरे मेन ऑपरेशन मतलब स्टोर फ्रंट की बात करेंगे।
किसी भी रिटेल के स्टोर की इफेक्टिवनेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि उसका विजुअल मर्चेंडाइजिंग, पीपल मैनेजमेंट, कैश ऑपरेशंस, डेटा मैनेजमेंट और कैटेगरी मैनेजमेंट एक्सेट्रा, जिसमें से आज हमने विजुअल मर्चेंडाइजिंग की बात करी है। बाकी सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आप नोटिफिकेशंस के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, साइलेंट सेल्स पर्सन या आपके स्टोर का सही डिस्प्ले और विजुअल्स आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सही सेंसेस और एलिमेंट्स का यूज किया तो कैसे बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट और एफर्ट्स के ये साइलेंट सेल्स पर्सन बैठे बैठे आपने बिजनेस की सेल्स को बढ़ा देगा। यहाँ मैं आपके साथ कुछ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि एवरेज अटेंशन टाइम इज जस्ट 8 सेकेंड्स। देखिए, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ, मैंने देखा है कि अगर मुझे कुछ लेना होता है और मुझे डिस्प्ले पे कुछ अच्छा दिख जाता है तो मैं तुरंत उस शॉप में एक्सप्लोर करने के लिए एंटर कर जाती हूँ, अदरवाइज मार्केट में मैं आगे बढ़ जाती हूँ। किसी भी शॉप को बाहर से एक्सप्लोर करने में मुझे 6-7 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लगता। तो इम्पॉर्टेंट है कि इसी 7-8 सेकेंड में आपको कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, आप उस पे काम करें। योगेश जी के लिए भी हमने ये फैक्टर्स ध्यान में रखे कि कैसे हम उनके एक्सटीरियर्स पे काम करें सो दैट उनका कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो जाए। दूसरा, 65% ऑफ बायर्स डिसाइड्स ऑन विजुअल्स। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आप जब ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं तो आप सर्च करके वही चीजें कार्ट में ऐड करते हैं जो आपको जरूरत है। इसके अगेंस्ट आप अगर बिग बाजार जाते हैं तो आपको जो भी छोटी मोटी चीजें दिखती जाती हैं आप लेते जाते हैं। कई बार तो आप बिना लिस्ट बनाए ही चले जाते हैं, कंसिडरिंग जब आप देखेंगे तो जो जो लेना होगा वो ले लेंगे। व्हाट इज दिस इंपल्स बाय? और ये कब पॉसिबल है? जब आपका डिस्प्ले और विजुअल सही होगा, कस्टमर तभी एक्स्ट्रा स्पेंड कर पाएगा और आपकी एवरेज सेल्स पर कार्ड इंक्रीज होगी। थर्ड फैक्टर, आईज कैच द ब्राइटेस्ट, मतलब जो दिखता है वो बिक जाता है। आपको जो आइटम्स लगते हैं ज्यादा सेल करने हैं उसके इफेक्ट्स, लाइटिंग एक्सेट्रा अच्छी रखनी चाहिए, तो वो कस्टमर के नोटिस में आती रहेगी और वो ज्यादा बिकेगी। सिमिलरली विजुअल इंक्रीज रिटेंशन बाय 42%। सिंपल सी बात है, मैं अगर मार्केट में कोई ऐसी फुटवेयर वॉल शेल्फ पे लगी हुई देखूंगी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई, हो सकता है कि मैं आज वो ना खरीद पाई, कोई भी रीजन हो सकता है, मेरे पास आज पैसे नहीं है या मैं सोच रही हूँ कि चलो बाद में खरीद लेंगे, अभी तो है मेरे पास। बट जब मैं वापस गई तो बार बार मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद आ गई। हो सकता है मैं 2 दिन बाद वापस जाकर उसको दोबारा खरीद लूँ। व्हाट इज दिस रिटेंशन? क्यों? क्योंकि वो उस वॉल शेल्फ पे लगी हुई मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मैं चाहती थी कि मैं उसको खरीद लूँ, और क्योंकि वो डिस्प्ले इतना अच्छा था वो मेरे माइंड में रिटेन कर गया, राइट? तो इसी तरीके से आपको भी इन सारे फैक्टर्स को जो साइंटिफिकली प्रूवन है अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने हैं। यही सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमने योगेश जी के बिजनेस में भी रिटेल के 5 सेंसेस पे काम किया। ये 5 सेंसेस क्या है? टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड और साइट। सबसे पहले हम टच पे बात करते हैं। देखिए, इंडिया में चाहे जितना ऑनलाइन शॉपिंग इवॉल्व कर गई है, बट आज भी कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है जिसे वो टच करके फील कर सके। ये उनको प्रोडक्ट्स का आइडिया देता है, पैकेजिंग की फील देता है। सो बेटर है कि आप कस्टमर को अलाउ करें कि जो वो लेना चाहता है उसको वो फील कर पाए। अपने आइटम्स का इजी एक्सेस रखें।
ऊंचे शेल्व्स या बहुत ज्यादा कवर्ड डिस्प्ले को अवॉइड करें। सिंपल मर्चेंडाइजिंग रखें, जैसे कि प्रोडक्ट को डंप बिन में डाल दिया या सामने के शेल्फ में रख दिया। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ डंप बिन की एक फोटो डाली है, आपने ये बहुत सारे स्टोर्स में या मॉल्स में देखा होगा और मे बी आप खुद भी अपने स्टोर पे इसको यूज करते हैं। सो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इस सेंस को अच्छे से यूज करना है सो दैट आप बेटर सेल्स कर पाए। नेक्स्ट फैक्टर स्मेल। रिसर्च कहती है कि स्मेल मार्केटिंग या सेंट मार्केटिंग रिटेल में कस्टमर के बाइंग के इंटेंट को 80% तक बढ़ा देती है। मतलब कस्टमर के ऊपर एक सबकॉन्शियस इफेक्ट डालने के लिए आपको इस सेंस को यूज करना अपने स्टोर पे बहुत जरूरी है। अनलेस अ मेडिकल स्टोर जहाँ मेडिसिन की एक स्मेल जो होती है वो ऑथेंटिसिटी की तरह देखी जाती है, आप हर रिटेल स्टोर पे इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको सीजन्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जैसे समर्स में आपने कुछ रिफ्रेशिंग या विंटर्स में कुछ फ्रूटी स्मेल यूज कर ली। बट यस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आपको अवॉइड करनी चाहिए, रेस्ट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं टू एनहांस योर कस्टमर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आपका आता है टेस्ट। टेस्ट उन स्टोर्स के लिए हिट कर पाना मुश्किल है जहां फूड और बेवरेजेस इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि योगेश जी का ही बिजनेस हो गया, फुटवेयर था, तो हम ज्यादा इस सेंस को उनके बिजनेस में यूज नहीं कर पाए। बट अगर आपका फूड बिजनेस है तो टेस्ट के लिए सैंपल्स आर बेस्ट वे। इससे दो चीजें होती हैं, पहली कस्टमर अट्रैक्ट होता है, उसे लगता है कि हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, और दूसरी कस्टमर वो प्रोडक्ट भी कंसिडर करके टेस्ट करता है जो मे बी नॉर्मली वो कंसिडर ही ना करे या खाना ही ना चाहे और ना ही उसे बाय करे। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और इसका फायदा ले सकते हैं तो आपको इस सेंस का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आपका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेंस है वो है साउंड। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आपका मूड अच्छा नहीं है बट अचानक से आपने अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लिया या कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुन लिया तो एकदम से मूड चेंज हो जाता है। व्हाट इज दिस इफेक्ट ऑफ साउंड? साउंड जो है वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। तो आपका कोई भी स्टोर हो आपको कुछ ना कुछ म्यूजिक प्ले करना ही चाहिए, बट यस वो आपको स्लो या मॉडरेट लेवल पे रखना चाहिए सो दैट कस्टमर को खराब ना लगे। प्लस ये कस्टमर को स्टोर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए इंगेज रखता है एंड एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर सबकॉन्शियस माइंड से एवरेज परचेज वैल्यू बढ़ा लेता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेंस जो है वो है साइट, मतलब दिख क्या रहा है। इसमें दो मेन फैक्टर्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है, पहला कलर और दूसरा लाइटिंग। कलर इज किंग। कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी साइट सेंस में, सो यूज कलर्स परफेक्टली। आप डिस्प्ले में रिलेटेड कलर्स यूज कर सकते हैं जैसे रेड एंड पिंक। आप ऑडियंस के अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं, जैसे अगर आपका टारगेट ऑडियंस ओल्डर पीपल है तो आप वॉल्स इंटीरियर्स एक्सेट्रा में क्लीन कलर्स यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यूथ को टारगेट कर रहे हैं तो यूज ब्राइट कलर्स पैटर्न्स एक्सेट्रा। आप कंट्रास्ट कलर्स भी यूज कर सकते हैं जैसे रेड एंड ब्लैक। आप कलर ब्लॉकिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप कई बार मॉल्स में जाते होंगे तो आपने देखा होगा सारे रेड बैग्स एक साथ डिस्प्ले में है या सारी वाइट ड्रेस एक साथ लगी हुई है, सो आप भी ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो कस्टमर को देखने में भी अच्छा लगता है, प्लस कस्टमर को स्पेशली फीमेल्स को जो कलर से रिलेटेड कंफ्यूजन है वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट इज लाइटिंग। किसी भी रिटेल स्टोर में आपकी लाइटिंग हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए। आपको हमेशा सिंपल और काम लाइटिंग यूज करनी चाहिए, प्लस जो प्रोडक्ट्स या आइटम्स को ज्यादा फोकस करना है वहां आप ब्राइट कलर्स और ब्राइट लाइटिंग यूज कर सकते हैं। इन सारे सेंसेस को
आप अपने बिजनेस में कैसे यूज करेंगे और आपको इस पे क्या एक्शन लेने चाहिए, उसके लिए हमने वर्कबुक में डिटेल में चेकलिस्ट रेडी की हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो हमने योगेश जी के स्टोर में किए वो थे उनके इम्पॉर्टेंट स्टोर एलिमेंट्स, जैसे उनके स्टोर का एक्सटीरियर, इंटीरियर, स्टोर लेआउट, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, फिक्स्चर्स, साइनेजेस और टेक्नोलॉजी। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये वो चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं कि कस्टमर आपके स्टोर में क्या परसेप्शन लेकर जाएगा। सबसे पहले जो हम बात करते हैं स्टोर एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर वो पहली चीज है जो कस्टमर देखता है और उसके बेसिस पे ही डिसाइड करता है कि उसको एंटर करना है या नहीं, हेंस उसको आपसे परचेस करना है या नहीं। स्टोर एक्सटीरियर जो है उसमें दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, स्टोर फ्रंट या स्टोर फसाड और दूसरा डिस्प्ले विंडो। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका स्टोर फ्रंट क्या कन्वे कर रहा है, वैल्यू, इनोवेशन, वैरायटी या लग्जरी। आप इन चीजों को बहुत ध्यान से अपने स्टोर के एक्सटीरियर में यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार हम कुछ स्टोर में ये सोचकर ही एंटर नहीं करते कि ये महंगा होगा। व्हाट इज द फीलिंग, व्हाट इज द परसेप्शन, इट इज कॉस्टली और इट इज लग्जरी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप अपने स्टोर फ्रंट में क्या कन्वे करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्प्ले विंडो। दिस इज बेसिकली स्टोर फ्रंट के साथ की विंडो जिसकी हेल्प से आप कस्टमर को अट्रैक्ट या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस डिस्प्ले विंडो का सही यूज करें। दूसरा और जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है स्टोर इंटीरियर। स्टोर इंटीरियर्स के तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला विजुअल कॉम्पोनेंट, मतलब क्या दिख रहा है। दूसरा स्टोर का फ्लोर प्लान और तीसरा स्ट्रेटेजिक स्पेस मैनेजमेंट। आपने इन चीजों को कैसे मैनेज किया हुआ है इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपके स्टोर में जो कस्टमर आया है वो सामान परचेस करेगा या लौट जाएगा। तो आपका फ्लोर प्लान और स्पेस मैनेजमेंट हमेशा सही होना चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका स्टोर का लेआउट। स्टोर लेआउट तीन मेजर टाइप्स के होते हैं जो कि ग्रिड, लूप और मिक्स्ड फॉर्म। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी रिटेल स्टोर में वो होता है आपका स्टोर का फिक्स्चर। फिक्स्चर बहुत सारे तरीके के होते हैं और आप में से बहुत लोग इसे यूज भी करते होंगे, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज इट करेक्टली। तो अगर आप ये सारे फिक्स्चर्स जैसे कि मैनिक्विंस, डिस्प्ले केसेस, रैक्स, ब्राउजर्स, पिजन रैक्स एक्सेट्रा सही तरीके से स्टोर पे यूज करेंगे तो आप बेटर फ्लोर प्लान और स्पेस मैनेजमेंट कर पाएंगे और इससे आपके स्टोर का इंटीरियर बेटर दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक डिस्प्ले केस आपको दिखाया हुआ है। इस तरीके का डिस्प्ले केस आप किसी भी ज्वेलरी या एंटीक आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली केक ब्राउजर है, इसको आप बेल्ट्स के लिए, इयररिंग्स के लिए, स्मॉल एसेसरीज के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज गैंडोला, जिसको आप ग्रॉसरी, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, बॉडी केयर एक्सेट्रा के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक और तरीके का डिस्प्ले केस है जिसको नॉर्मली हम फूड आइटम्स के लिए ही यूज करते हैं। जैसे हमने योगेश जी के भी ओल्ड फिक्स्चर्स को रिप्लेस कराया और उसमें हमने ओपन शू रैक्स, वॉल पैनल्स, ग्लास वॉल माउंटेड शू डिस्प्ले रैक्स एक्सेट्रा इंक्लूड कराए। इससे क्या हुआ, उनका डिस्प्ले बेटर हो गया। दूसरा, उनका जो टच सेंस का बेटर यूज होने लगा। अब स्टाफ को पहले की तरह सारे शूज बॉक्स से निकाल के नहीं दिखाने पड़ते थे। इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा बेटर हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो आपके विजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन।
मतलब आपके जो आइटम्स हैं वो हमेशा फ्रंट फेसिंग रखे होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट होगा तो स्टोर हमेशा नीट और बेटर दिखेगा। फुल रैक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे अगर किसी रैक के प्रोडक्ट सेल हो गए हैं तो इमीडिएट उस रैक को दूसरे आइटम से फिल करके फुल रखें। इससे आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है और उसको ऐसा फील नहीं होता कि आपके पास वैरायटीज की कमी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर जो होता है वो है फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी बात हमने वेयरहाउस मैनेजमेंट के टाइम पर भी की थी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और इस पे एक्शन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी कॉम्प्रिहेंसिव वर्कबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जो प्रोडक्ट पहले आया है वो पहले सेल होगा, सो दैट आपका डेड स्टॉक रिड्यूस हो पाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हमने योगेश जी के बिजनेस में इम्प्लीमेंट कराया वो है साइनेजेस। पहले वो इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे और स्टोर में क्या कहाँ है वो कुछ पता नहीं चलता था, बट बाद में हमने ये साइनेजेस उनके स्टोर में इम्प्लीमेंट कराए। साइनेजेस दो तरीके के होते हैं, एक तो आपके इंफॉर्मेशनल, जैसे अपने आइटम्स के अराउंड एक लेबल लगा दिया आपने, वुमेन और मेन और किड्स और एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि एक साइनेज लगा हुआ है जो बता रहा है कि सेम ड्रेस आप डिफरेंट ओकेजंस पे कैसे यूज कर सकते हैं। व्हाट इज दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन? इससे क्या होगा, कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ेगा। सिमिलरली फेस मास्क इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू वांट टू कन्वे। इसी की तरह प्रमोशनल साइनेजेस, जैसे अगर ये सेल सीजन चल रहा है तो आपने बोर्ड लगाया 50% ऑफ, इट इज प्रमोशन, और बाय वन गेट वन फ्री। इससे आपको बार बार लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, उनको अपने आप ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है यहाँ पर वो है टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी का किस तरीके से अपने रिटेल स्टोर में यूज करना है, मतलब आप किस तरीके से अपने POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स इंक्लूड करते हैं, स्मार्ट मिरर्स जो आपके बेसिकली क्लोथ्स या शूज पहन के कैसे दिखेंगे उसका बेटर डिस्प्ले करता है, इजी चेकआउट सिस्टम एटसेट्रा। लास्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है आई लेवल इज बाय लेवल, मतलब जो आंखों के सामने दिखेगा वो ज्यादा सेल होने की प्रोबेबिलिटी हो, इंस्टेड जो आपके नीचे की रैक या ऊपर के शेल्व्स में होगा। सो आइडियली फ्रेश आइटम्स आपके हमेशा आई लेवल रैक्स पे रखे होने चाहिए। और यही सारी छोटी छोटी चीजें बट इम्पॉर्टेंट चीजें जब हमने योगेश जी के डिस्प्ले और विजुअल्स में चेंज करा दी तो एज अ रिजल्ट जो जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे वो एक एक करके सॉल्व हो गए। जैसे कि उनका फुटफॉल इंक्रीज हो गया, एज अ रिजल्ट उनमें ज्यादा सेल आने लगी, कस्टमर का एवरेज स्पेंड टाइम स्टोर के अंदर बढ़ गया और एज अ रिजल्ट कस्टमर की एवरेज परचेज वैल्यू 15-20% तक बढ़ गई। मतलब जो 1000 रुपए की शॉपिंग करने आता था उसने 1200-1300 रुपए स्पेंड करना शुरू कर दिया। टोटल सेल्स वैल्यू स्टोर की 20% इंक्रीज हो गई। रिपीट कस्टमर जो पहले नए नए स्टोर्स पे जाने लगा था कंसिडरिंग कि योगेश जी के पास वैरायटी कम है, वो बेटर डिस्प्ले से वापस योगेश जी के पास आने लग गया। नए कस्टमर की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई और योगेश जी का ओवरऑल मार्केट शेयर बढ़ गया। सो एक क्विक रिकैप कि आज हमने क्या क्या जाना। हमने जो आज जाना कि कैसे विजुअल मर्चेंडाइजिंग को आप अपने रिटेल स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं और कैसे आप इसके 5 senses यानी टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड, कलर और लाइटिंग को इन्हांस करके अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यानी कि अपने स्टोर की सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली कैसे अपने स्टोर के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स यानी कि स्टोर का एक्सटीरियर, इंटीरियर, लेआउट, फिक्स्चर्स, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, साइनेजेस, टेक्नोलॉजी और बेटर रैक मैनेजमेंट करके आप अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं,
कंपटीशन को बीट कर सकते हैं और ब्रांड के अगेंस्ट अपने रिटेल स्टोर को ग्रो कर सकते हैं और मल्टी स्टोर बना सकते हैं। ये हमारे कुछ कमिंग टॉपिक्स हैं जिन पे हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, जैसे कि 5S मेथड इन रिटेल, गेस्ट मॉडल इन रिटेल, टच पॉइंट, सेल्स एंड सर्विस चैलेंजेस इन रिटेल सप्लाई चेन, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, रिटेल इन स्टोर एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे YouTube चैनल आई डिजाइन माई लाइफ में डिफरेंट बिजनेसेस जैसे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और सर्विस बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या हेल्प की जरूरत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट छोड़ सकते हैं। आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.idesignmylife.net पे जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम आपके बिजनेस ग्रोथ में कैसे हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं और आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूँ। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाए, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे CA, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है।
सो इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।